वही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। बता दें केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। बता दें दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। वही केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। बता दें कि इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बता दें पिछले साल यह आंकड़ा 7 से 8 हजार के बीच था। यहां करीब 1500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। वहीं रजिस्टर्ड 5545 खच्चर बुक हो चुके हैं। बता दें हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं और चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं, पूजा प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा केदार का भव्य और दिव्य नव निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य 3 चरणों में यहाँ पूरे हो रहे हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जल्दी ये निर्माण कार्य पूरे हो जाए और जल्दी यहाँ के लिए जो रोप वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है वो भी चालू हो जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाए। सभी तीर्थ यात्रियों का बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें, हर प्रकार से आप जो मनोकामना लेकर आए हैं बाबा के कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत।